Hello students, I am Sripath from ABITS. Here we are going to discuss a very simple but still confusing topic, that is how to find the base and height of a triangle to calculate its area. Students, area of a triangle, ये जो topic है आपको इसका जो introduction है that occurs in 7th and 8th standard. वहाँ पर आपको कोई भी triangle का एक base दिया रहता है, height दिया रहता है and just you have to put the values in the formula and you calculate the area of a triangle. That area of a triangle is half base into height. लेकिन जब यही area of a triangle का जो concept है आपको 10th standard में similarity chapter में जब हम पहले properties study करते हैं ratio of areas of two triangles, ये जो properties study करते हैं वहाँ पर हमें फिर से area of triangle निकालना पड़ता है. लेकिन यहाँ पर आपको कोई value दिया नहीं रहता है, यहाँ पर आपको triangle का जो base है एंड जो आपका हाइट है ट्रायंगल का ये आपको खुद को डिसाइड करना पड़ता है. और यहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत जाता है, दे आर नॉट एबल टू फाइंड विच बेस इज टू बी टेकन, विच हाइट इज टू बी टेकन, बिकॉज दे हैव इट इज़ टू बी डिसाइडेड बाय देमसेल्फ. और यहाँ पे लोअर स्टैंडर्ड में एक मिसकंसेप्शन उनके यहाँ पे क्रिएट हुआ रहता है, वही मिसकंसेप्शन उनको कुछ सोचने नहीं देता है. अब ये मिसकंसेप्शन क्या है और इसको दूर कैसे करेंगे, इसके लिए हम एक एक्सरसाइज करेंगे. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आई हैव टेकन थ्री ट्राइंगल्स. ट्राइंगल पी क्यू आर इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल एल एम एन इज ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल एंड ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. ओके, तो अभी हमें क्या करना है कि सपोज मुझे ये तीनों ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले मुझे बेस निकालना पड़ता है और हाइट निकालना पड़ता है. तो सबसे पहले हम ये एक्सरसाइज करेंगे कि विच बेस यू विल टेक टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल. ओके, तो इसके लिए यहाँ पे मैंने एक स्टॉप वॉच लिया है और ये स्टॉप वॉच के लिए व्हाट आई विल डू, हम क्या करेंगे कि आपको मैं 10 सेकंड दे रहा हूँ. आपको क्या करना है कि सपोज ये ट्रायंगल का अगर आपको एरिया निकालना है तो विच बेस यू विल टेक, आपको उसको नोट डाउन करना है आपके नोटबुक में. और आपका जो टाइम है यहाँ पर मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ और आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ. ओके, टाइम अप, आपका टाइम हो गया है. नाउ यू मस्ट हैव रिटन कि व्हाट बेसिस ऑफ द ट्रायंगल इज टू बी टेकन अकॉर्डिंग टू यू. मैंने आपका नोटबुक देखा नहीं है, स्टिल आई कैन गेस दैट 90% ऑफ द स्टूडेंट्स हैव रिटन दैट ये जो ट्राइंगल है पी क्यू आर इसका बेस लिखा होगा 90% ऑफ स्टूडेंट ने, दैट इज क्यू आर. ओके, देन एल एम एन ट्राइंगल का जो बेस है दैट मस्ट बी रिटर्न, दैट इज एम एन. एंड ए बी सी ट्राइंगल का बेस जो है दैट इज बी सी. तो ये बेस यू हैव टेकन, 90% ऑफ स्टूडेंट ने यही लिखा है. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपने गलत लिखा है, लेकिन इसके पीछे कि जो सोच है, जिसकी हिसाब जो सोच के आपने इसको लिखा, दैट इज अ रॉन्ग एंड दैट इज अ क्रिएटिंग प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग इन 10th स्टैंडर्ड. अकॉर्डिंग टू मी द करेक्ट आंसर इज, इसका जो करेक्ट आंसर है आई विल शो यू, द करेक्ट आंसर इज यू कैन टेक एनी साइड एज अ बेस. आप कोई भी साइड को बेस ले सकते हैं. और आपका जो मिसकंसेप्शन ये है कि ट्राइंगल का जो नीचे वाला साइड रहता है वो आप हमेशा उसको बेस लेके चलते हैं. आपके दिमाग में ये कभी आता नहीं कि ये भी बेस हो सकता है, ये भी बेस हो सकता है. इन ट्राइंगल एम, इन ट्राइंगल एल एम एन, एल एन कैन बी ऑल्सो बेस, एल एम कैन बी ऑल्सो बेस. इन ट्राइंगल ए बी सी, ए सी कैन बी ऑल्सो बेस एंड ए बी कैन ऑल्सो बी बेस. आप बेस खाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसी को लेके चलते हैं और आपको ये दिमाग में आता ही नहीं कि ये भी बेस हो सकते हैं. और ये जो मिसकंसेप्शन है, ये जो मिसकंसेप्शन है यही आपको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम करती है. देखिए, एक मैं आपको यहाँ पे आपका जो मिसकंसेप्शन है उसको मैं यहाँ पे दूर करता हूँ. उसके लिए मैं फिर से एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ. सो व्हाट वी विल डू, सपोज ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल अगर मैंने आपको इस तरीके से दिया रहता था, अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ और ये ट्राइंगल का जो मैंने आपको अगर इस तरीके से अगर मैं ट्राइंगल आपको दिया रहता था तो
I guarantee you that most of the students have written the base as PR. Okay, and अगर ये ट्राइंगल मैं इस तरीके से रोटेट करता हूँ और इस तरीके से लिखता था तो मुझे गारंटी है कि बहुत सारे बच्चों ने PQ को बेस पकड़ लिया रहता था। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो सबसे पहले आपका जो मिसकंसेप्शन है वो ये है कि बेस हमेशा नीचे वाली लाइन रहती है, दैट इज़ नॉट करेक्ट। एंड तो उसका जो कंसेप्ट आपको जो क्लियर करना है कि एनी साइड ऑफ अ ट्राइंगल कैन बी कंसिडर्ड एज अ बेस। ओके नाउ सो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे व्हाट वी विल डू, यहाँ पे मैं बेसिस लिखता हूँ और यहाँ पे हम हाइट कौन सा लेंगे ये भी डिसाइड करेंगे। नाउ हमारे पास ट्राइंगल पी क्यू आर है, दिस इज पी क्यू आर इज आवर ट्राइंगल। आप देख रहे हैं कि क्यू आर इज अगर मैंने बेस लिया है तो क्यू आर को छोड़ के कौन सा लेटर यहाँ पे बचता है, पी बचता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो लेटर बचता है, ये तो हमने बेस लिया तो जो लेटर बचता है वहाँ से आपको यहाँ से परपेंडिकुलर डालना है। और नाउ दिस परपेंडिकुलर जो है दैट विल बी द हाइट ऑफ द ट्राइंगल। सो इफ समबडी इज कंसिडरिंग क्यू आर एज अ बेस देन अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पी ऑन क्यू आर विल बी द हाइट ऑफ द ट्राइंगल। ओके नाउ अगर किसी लड़के ने पी आर को बेस पकड़ लिया, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, पी आर को बेस पकड़ लिया ये वाला बेस, तो पी आर को छोड़ के यहाँ पे लेटर कौन सा बचता है, क्यू बचता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्यू से उसके ऊपर परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। और दिस नाउ पी आर इज द बेस एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम क्यू विल बी द हाइट ऑफ द ट्राइंगल। अगर किसी लड़के ने पी क्यू को बेस पकड़ लिया, पी क्यू को बेस पकड़ लिया, नाउ दिस इज द बेस पी क्यू, तो पी क्यू को छोड़ के कौन सा लेटर बचता है, आर बचता है। तो परपेंडिकुलर फ्रॉम आर विल बी द हाइट ऑफ द ट्राइंगल। ये आपको यहाँ पे समझना है, अंडरस्टूड। नाउ अभी हम एल एम एन ट्राइंगल की बात करते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर आपने एम एन बेस लिया, इफ यू हैव टेकन अ बेस एम एन, तो एम एन को छोड़ के कौन सा लेटर बचता है, एल बचता है। तो आपको क्या करना है, जो वर्टेक्स की तरफ से आपको बेस की तरफ आना है, नाउ दिस इज ये साइड में आपका बेस है, तो आप यहाँ से बेस की तरफ आएंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे, लेकिन आप यहाँ पे देखते हैं कि बेस आपका छोटा है, आपका परपेंडिकुलर उसको टच नहीं कर रहा है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इस बेस को एक्सटेंड करना पड़ेगा। लेकिन आप कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए बेस तो इतना लेंगे और हाइट ये लेंगे, आई विल से गिव एल ए, एल ए विल बी द हाइट, लेकिन आपको बेस को एक्सटेंड करना पड़ेगा टू मेजर एल ए। सो इन दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड, अगर किसी ने बेस एल एम लेते हैं, एल एम, एल एम को छोड़ के कौन सा लेटर बचता है, एन बचता है, तो एन से आपको बेस के तरफ आना है ना। अभी हमारा ये बेस ये है तो हम इसको एन के तरफ आएंगे, बेस के तरफ आएंगे एन से, तो हम यहाँ से बेस के तरफ आए एंड यहाँ पे एग्जैक्टली वो बेस के ऊपर आ रहा है, तो ये हमारा हाइट हो जाएगा। लास्टली अगर इफ आई हैव टेकन एल एन एज अ बेस, मैंने यहाँ पे बेस लेता हूँ एल एन, यहाँ पे बेस लेता हूँ एल एन, अभी एल एन को छोड़ के लेटर बचता है एम, मतलब एम एम वर्टेक्स से आपको बेस के तरफ आना है। अभी बेस के तरफ कैसे आएंगे, यहाँ ये साइड में बेस है तो आपको बेस के तरफ आना है, लेकिन आपको बेस यहाँ पे मिलता नहीं है, बेस यहीं पे ख़त्म हो रहा है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, बेस को एक्सटेंड करना पड़ेगा। यू विल एक्सटेंड दिस बेस लाइक दिस, और आपको यहाँ से एक्सटेंड करना है और यहाँ से परपेंडिकुलर डालना है। तो इसका ये जो ट्राइंगल है, अगर आप एल एन बेस लेते हैं तो आपको हाइट जो है एम बी लेना पड़ेगा। सो फॉर एम एन बेस जो हाइट है, हाइट विल बी एल ए, फॉर एल एन एल एम बेस हाइट विल बी एन सी, हाइट विल बी एन सी, एंड फॉर एल एन बेस हाइट विल बी एन बी, एम बी नॉट एम बी, एम बी ये आपको लेना पड़ेगा। सो दिस इज़ द हाइट एंड दिस इज़ द बेस। तो इन दिस वे यहाँ पे थोड़ा सा आपको केयरफुली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो ये जो वीडियो है ये रिवाइंड करके देखिए, तो आपको जो भी दो जिसको आप दो लेटर को बेस पकड़ेंगे उसको छोड़ के जो भी लेटर बचता है उस वर्टेक्स से आपको बेस के तरफ आना है, सो दैट विल गिव यू हाइट। और राइट एंगल ट्राइंगल में तो बहुत आसान है, अगर आप बी सी को बेस पकड़ेंगे तो हाइट विल बी ए सी, ये बेस है तो हाइट आपका क्या रहेगा, ए सी रहेगा। ओके अगर आप AC को बेस पकड़ेंगे तो हाइट आएगा BC,
AC को बेस पकड़ेंगे तो हाइट आएगा BC, एंड लास्ट अगर आप AB को बेस पकड़ेंगे तो AB को छोड़ के कौन सा लेटर बचता है, C बचता है, तो C के तरफ से आपको यहाँ पे आना है. सो दिस विल वी विल ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम C एंड कम टूवर्ड्स बेस. तो आपका ये जो है ये हाइट हो जाएगा, इसको मैं CM नाम देता हूँ. सो अगर आपका बेस AB है तो आपका जो हाइट रहेगा CM रहेगा. इन दिस वे आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि कोई भी ट्रायंगल में कौन सा बेस लेना है, कौन सा हाइट लेना है. लास्टली अब ये मैं टॉपिक को कंक्लूड कर रहा हूँ. तो पहला मिसकंसेप्शन, बेस इज नॉट ओनली अ हॉरिजॉन्टल लाइन, बेस कोई भी हो सकता है, ट्रायंगल के ऑल साइड्स कैन बी अ बेस. और बेस के लिए जो साइड पकड़ते उसका जो अपोजिट वर्टेक्स है, उस अपोजिट वर्टेक्स के आपको बेस के तरफ आना है और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. वो बेस के ऊपर मीट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. जैसे यहाँ पे बेस के ऊपर मीट हो गया और यहाँ पे आप देख रहे कि यहाँ पे बेस के ऊपर मीट नहीं हुआ, यहाँ पे भी बेस के ऊपर मीट नहीं हुआ, तो आपको बेस को एक्सटेंड करना पड़ेगा. लेकिन कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए जो आप बेस लेंगे तो LN ही लेंगे, यू विल नॉट टेक LB. LN विल बी द बेस एंड दिस विल बी द हाइट. आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक, एंड इस वीडियो को आप रिवाइज कीजिए, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो शेयर विथ योर फ्रेंड्स. Thank you very much.